देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। फरीदाबाद से एक दिल दहला देने वाली वारदात आई सामने। तो फरीदाबाद से दिल को दहला देने वाली एक वारदात सामने आई है, जहां ऑटो में सवार युवती के साथ किया गया गैंगरेप। खबर फरीदाबाद से है, जहां ऑटो में सवार युवती के साथ गैंगरेप किए जाने की खबर है। ऑटो चालक समेत दो लोगों ने किया गैंगरेप। ऑटो चालक समेत दो लोगों पर गैंगरेप किए जाने का आरोप लगाया गया है। बीपीटीपी इलाके में देर शाम इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, जहां ऑटो में सवार एक युवती के साथ गैंगरेप किया गया। देर शाम अपने घर जा रही थी युवती, जिसके साथ एक बार फिर से दरिंदगी की गई। पुलिस ने दो आरोपियों को इस दौरान गिरफ्तार भी किया है। तीसरे आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। तीसरे आरोपी की तलाश लगातार जारी है। पुलिस दबिश भी दे रही है। तो वहीं दिल दहला देने वाली वारदात में फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि तीसरा फरार है, उसकी तलाश जारी है। यूपी में एटीएस का बड़ा एक्शन, यूपी में एटीएस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। अवैध टेलीफोन एक्सचेंज चलाने वालों को पकड़ा गया है, बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध टेलीफोन एक्सचेंज चलाने वालों को पकड़ा गया है। अब तक 9 लोगों को एटीएस ने पकड़ा है, ये खबर सूत्रों के हवाले से है, जहां यूपी एटीएस ने कार्रवाई करते हुए अब तक 9 लोगों को पकड़ा है। अलग अलग 3 थाना क्षेत्रों से ये सभी लोगों के गिरफ्तार किए जाने की बात फिलहाल सामने आई है। पकड़े गए लोगों से पूछताछ भी जारी है। सूत्रों के हवालों से बड़ी खबर हम तक पहुंच रही है, जहां पकड़े गए लोगों से पूछताछ का दौर लगातार जारी है। विदेशी कॉल नेटवर्क मामले पर युवक कर रहे थे बड़ा खेल, जिस पर अब पुलिस ने एक्शन लेते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आईएसडी को लोकल कॉल करते थे लगातार, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यूपी में एटीएस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। हरदोई में पूर्व प्रधान का खून से लथपथ मिला शव। पूर्व प्रधान का खून से लथपथ शव बरामद किया गया है। खबर हरदोई से है। बीती शाम से पूर्व प्रधान लापता था, जिसका अब शव बरामद किया गया है। मौके पर आला अधिकारी भी मौजूद रहे, तो मौके पर आला अधिकारी भी पहुंचे, जहां पूर्व प्रधान का शव बरामद किया है। परिजनों ने हत्या की भी आशंका जताई है। परिजनों ने इस पूरे मामले में हत्या की आशंका भी जता दी है। साथ ही बताते चले कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मामले की जांच पड़ताल में भी जुट गई है। तो मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मल्लावा थाना क्षेत्र के करवा गांव की पूरी घटना है। यूपी में अधिवक्ताओं की हड़ताल का मामला। यूपी में अधिवक्ताओं के हड़ताल किए जाने से जुड़ी एक बड़ी अपडेट है, जहां हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में हड़ताल होगी। हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में हड़ताल, वकीलों की हड़ताल का हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। तो लगातार वकीलों की हड़ताल पर अब हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने अपर महाधिवक्ता को किया तलब। हाईकोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता को भी तलब किया है। तो हाईकोर्ट की तरफ से शासकीय अधिवक्ता को भी तलब किया गया है। यूपी बार काउंसिल ने किया हड़ताल का ऐलान। तो यूपी बार काउंसिल ने हड़ताल का ऐलान किया था, जिस पर अब खुद हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। लखनऊ में जानकीपुरम स्थित जीपीआरए बिजली घर पर धरना प्रदर्शन देखने को मिला। जीपीआरए बिजली घर पर धरना प्रदर्शन जारी रहा, जहां राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन लगातार धरना प्रदर्शन करता हुआ लखनऊ में नजर आया है। मंडल अध्यक्ष शकील के नेतृत्व में हल्ला बोलता हुआ जो समाज है वो नजर आया है। अपनी मांगों को लेकर लगातार किसान अड़े रहे। मीटर की रीडिंग लेने नहीं आते मीटर रीडर, ये आरोप लगाए गए हैं। हड़ताल के दौरान मीटर रीडर ना आने की वजह से बिल आ रहा ज्यादा। किसानों ने ये आरोप लगाया है कि मीटर रीडिंग का बिल बहुत ज्यादा आने लगा है, लाइनमैन की मिलीभगत से होती है बिजली चोरी। ये किसानों ने आज प्रदर्शन के दौरान गंभीर आरोप लगाए हैं। अधिशासी अभियंता पर लगाया ना सुनने का आरोप। तो दोस्त पिस्टल और मर्डर का कनेक्शन, ये बड़ी खबर है, जहां दोस्त पिस्टल और मर्डर कनेक्शन से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां केंद्रीय मंत्री के बेटे पर होगी सवालों की बौछार। हत्या की कुछ देर पहले ही एयरपोर्ट गया था विकास किशोर। तो हत्या के कुछ देर पहले ही महज एयरपोर्ट गया था विकास किशोर। पुलिस के मुताबिक जुए में हार जाने के विवाद में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। विकास किशोर को नोटिस भेजेगी पुलिस, जिससे पूछताछ की जाएगी।
पूछताछ के लिए विकास किशोर को भी पुलिस बुलाएगी तो विकास किशोर से भी पूछताछ होगी, जिसके लिए विकास किशोर को एक नोटिस भेजा जाएगा। आर्म्स एक्ट में ठाकुरगंज पुलिस इस पूरे मामले की पूछताछ भी करती हुई नजर आएगी। परिजनों ने पुलिस के खुलासे पर खड़े किए हैं सवाल, तो ये लगातार सूत्रों के हवालों से बड़ी खबर है, जहां दोस्त मर्डर और पिस्टल कनेक्शन में अब केंद्रीय मंत्री के बेटे से पूछताछ होगी। महिला कांस्टेबल से छेड़छाड़ के मामले में कार्रवाई, महिला कांस्टेबल से छेड़छाड़ के मामले में अब कार्रवाई देखने को मिली, जहां पुलिस आयुक्त कार्यालय में हुई थी छेड़छाड़, तो पुलिस आयुक्त कार्यालय में छेड़छाड़ हुई थी। इस मामले से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि आरोपी कांस्टेबल मोहम्मद जावेद पर बड़ी कार्रवाई की गई है, कांस्टेबल को अधिकारियों ने लाइन हाजिर कर दिया है। मामले में डीसीपी सेंट्रल कर रही जांच, तो इस पूरे मामले की डीसीपी सेंट्रल जांच भी कर रही है। आपको बताते चले कि रक्षाबंधन के दिन कांस्टेबल से छेड़छाड़ की गई थी, वही अब इस पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां आरोपी बनाए गए दारोगा से पूछताछ होगी। तो मासूम बच्ची से हुई दुष्कर्म की वारदात खबर मेरठ से है, जहां मासूम बच्ची से दुष्कर्म की वारदात हुई है, छात्रा और ग्रामीणों में खासा आक्रोश भी देखने को मिला। तीन दिन पहले इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था, खबर मेरठ से है, जहां तीन दिन पहले इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस के गिरफ्त से फिलहाल आरोपी बाहर है। मेरठ के रोहटा थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई गई है, जहां एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है, मासूम बच्ची से दुष्कर्म की वारदात को दिया गया अंजाम। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।